बॉलीवुड में ऐसी कई कहानियां हैं और कई मूवी हैं जिनको आज भी घर पर बैठकर लोग देखते हैं और जितनी बार भी देखते हैं वो उनके लिए कम नहीं है। घर पर बैठकर इन मूवीज को देखना तो आसान है, लेकिन सिनेमा हॉल की बात कुछ और होती है। और जैसे ही इस लिस्ट में सबसे पहले नाम की बारी आती है तो नाम आता है मूवी हम आपके हैं कौन का। ये मौसम का जादू है पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके लो चली मैं पैसे दे दो जूते ले लो पैसे दे दो। माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है गुड़िया खिलाने मेरी सहेलियां अब मुझे लगती है सारी पहेलियां। ये फिल्म हर घर में देखी गई है और आज तक अगर टीवी पर सबसे ज्यादा कोई मूवी देखी जाती है तो वो यही है। लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म को दोबारा सिनेमा हॉल में देखने के बारे में जरूर सोचते हैं, तो अब आपके लिए गुड न्यूज है क्योंकि अब इस मूवी को दोबारा से सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। सलमान खान और माधुरी दीक्षित की सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है। 5 अगस्त 1994 में रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों समेटे थे और धमाल मचाया था। अब मेकर्स ने हम आपके हैं कौन को री रिलीज करने की घोषणा की। हम आपके हैं कौन ने हाल ही में अपने रिलीज के 30 साल पूरे किए, ऐसे में फैंस के बीच फिल्म ने एक बार फिर चर्चा बटोरी। वहीं अब हम आपके हैं कौन के थिएटर्स में लौटने की अपडेट आई है। हम आपके हैं कौन एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज बड़जात्या ने निर्देशित किया था। फिल्म में न केवल सलमान और माधुरी की जोड़ी को अमर बनाया बल्कि हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड भी आया। फिल्म की कहानी और म्यूजिक ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। फिल्म की 30वीं सालगिरह के बाद इसे फिर से रिलीज करने का फैसला लिया गया है ताकि नई पीढ़ी के दर्शक भी इस क्लासिक फिल्म का आनंद लें। बुधवार को हम आपके हैं कौन के प्रोडक्शन हाउस राजश्री फिल्म्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर किया और साथ ही फिल्म के री रिलीज का ऐलान किया। हम आपके हैं कौन के साथ प्यार दोस्ती और परिवार के जादू को फिर से महसूस करें क्योंकि ये फिल्म 9 अगस्त को चुनिंदा सिनेपोलिस सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हो रही है। हम आपके हैं कौन एक ऐसी फिल्म है जो भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ती है। फिल्म के 30 सालों के सफर का जश्न मनाने के लिए इसे फिर से री रिलीज करने का फैसला केवल पुराने दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव होगा बल्कि नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है इस क्लासिक फिल्म का आनंद लेने का। वहीं आज इसी के साथ एक और चर्चित फिल्म भी सिनेमाघरों में री रिलीज होने वाली है। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की लैला मजनू 9 अगस्त को सिनेमाघरों में एक बार फिर से शानदार वापसी करेगी। साजिद अली द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा 6 साल पहले रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही, लेकिन अपने OTT डेब्यू के बाद इसे एक क्लासिक पंथ के रूप में व्यापक प्रशंसा मिली। बुधवार को एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों की एक श्रृंखला साझा करते हुए इस मील के पत्थर का जश्न मनाया। उनकी पोस्ट में फिल्म के पोस्टर एक हस्तलिखित नोट शामिल था जिसमें सिनेमाघरों का विवरण दिया गया था जहां फिल्म प्रदर्शित की जाएगी और सेट के पर्दे के पीछे की झलकियां शामिल थी। एकता ने कहा, लोकप्रिय मांग पर लैला मजनू वापस, आपके प्यार का आभार जिसने 6 साल बाद फिर से सिनेमाघरों में खींच लिया। 9 अगस्त को देश भर के सिनेमाघरों में फिर से प्रदर्शित लैला मजनू टीम LM को बधाई। इसके तुरंत बाद प्रशंसकों और अनुयायियों ने पुनः रिलीज के लिए अपना उत्साह व्यक्त करने के लिए कमेंट करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, बहुत बहुत अच्छा है। एक ने लिखा, सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट में से एक। एकता कपूर ने इम्तियाज अली की इंस्टाग्राम स्टोरीज को भी रीशेयर किया। जानकारी के लिए आपको बता दें, साजिद अली इम्तियाज के भाई हैं। लैला मजनू आधुनिक कश्मीर पर आधारित है जहाँ लैला तृप्ति डिमरी और कैश अविनाश द्वारा प्ले किया गया है। यहाँ प्यार में पागल दोनों किरदारों को दिखाया गया है, लेकिन पारिवारिक तनाव की वजह से ये जोड़ी एक नहीं हो पाती है। तृप्ति और अविनाश के अलावा फिल्म में अबरार काजी, सुमित कौल, साई बाबाली, मीर सरवर, फरहाना भट्ट और अन्य कलाकार हैं। हालांकि फिल्म को समीक्षकों से बहुत अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन इसका सनी डिमरी को आखिरी बार विक्की कौशल और एमी विर्क के साथ बैड न्यूज में देखा गया था। फिलहाल ये था छोटा सा अपडेट। बॉलीवुड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। शुक्रिया।